कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उत्तराखंड की साफ सुथरी छवि के बीच अगर आपको इस तरीके के कूड़े के ढेर दिख जाएं, तो शायद आप कहेंगे कि ये देवभूमि नहीं हो सकती। लेकिन आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, यह पहाड़ के खूबसूरत शहरों में शुमार श्रीनगर गढ़वाल की हैं। यहाँ नगर पालिका के कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, लिहाजा उन्होंने शहर की सफाई का काम करने से मना कर दिया है। सुनिए सफाई कर्मचारियों का इस पर क्या कहना है। हमारा वेतन का मामला है सर, माह जनवरी का वेतन कर्मचारियों को नहीं दिया गया है और फरवरी भी करीब करीब एंड खत्म होने पे ही है, तो हमारा 2 महीने का वेतन हो चुका, मतलब करीब करीब हो चुका है और वेतन न मिलने से कर्मचारी बहुत परेशान है सर। कई लोगों ने लोन लिए हुए हैं, उनका एक्स्ट्रा मतलब चार्ज पड़ा हुआ है जो किस्त जमा ना होने पे, बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाई है और स्थिति यह है कि सर हमारे 8-8, 6-6 हज़ार वाले कर्मचारी भी हैं जिनका 1 महीने में चलाना मुश्किल हो जाता है, 2-2 महीने कैसे चलाएंगे वो। तो हमारा यही मांग है शासन प्रशासन से कि हमारा वेतन दें और हम अपने काम पे वापस जाएं, अन्यथा अगर वेतन नहीं मिलता जब तो हम कार्य बहिष्कार पे बने रहेंगे। श्रीनगर इन दिनों सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से बदहाल हो गया है। जगह जगह कूड़ेदान के अलावा जमीन पर बिखरा कूड़ा और गंदगी कई बीमारियों को न्योता दे रही है। साथ ही कर्मियों को वेतन न मिलने से उनके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वह काफी कम वेतन में काम करते हैं और समय से तनख्वाह न मिलने से बच्चों की फीस और कई लोगों द्वारा बैंक से लिया गया लोन चुकाने में परेशानी हो रही है। से जाती है बैंक में और तब आपकी सैलरी निकलती है, ये आप सब सभी लोगों को ज्ञान है ना इस चीज का। तो हमारे यहाँ पे ईओ नहीं है अभी, जिस कारण की ये सारी समस्या आ रही है और जो शहर में गंदगी जो फैली हुई है सिर्फ किसी कारण। मैं कल निदेशक से रयाल जी और शहरी सचिव हमारे शैलेश बघोली जी है, उनसे हम लोगों ने वार्ता करी और उन लोगों ने 1 या 2 दिन का, आज शायद आज भी हो जाएगा या कल तक, उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है। श्रीनगर में पिछले 7 दिनों से कूड़ा उठाने वाले वाहन चालकों और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर से गुजर रहे ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के विभिन्न स्थानों और सार्वजनिक स्थानों के समीप रखे कूड़ेदान भर चुके हैं। अब इन कूड़ेदानों की बदबू से लोगों का सड़क पर चलना और आसपास के लोगों का घर में रहना मुश्किल हो रहा है। वही नगर पालिका अध्यक्ष सफाई कर्मचारियों को मनाने के प्रयास कर रही हैं। तो दूसरी ओर देखा गया कि समझाने के मामले में नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी के पति भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने कर्मचारियों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने की बात भी कह दी। श्रीनगर से तेजपाल सिंह की रिपोर्ट।